हेलो जी, हेलो राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। बस थोड़ी सी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि हम वहाँ गए थे घूमने, 8 दिन में आए, तब तक यहाँ चूहों ने अपने मतलब हमारे घर में चूहों ने कब्जा जमा लिया। जी हाँ, तो बहुत सारे चूहे हो गए। और अभी फिलहाल पतिदेव जी बाहर, एक गाड़ी आई थी तो तरबूज ले लिए 3-4, तो बस उन्हीं को मैं रख रही हूँ, क्योंकि वो अभी किट्टू को दिख जाएंगे तो अभी खाने की जिद करेगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ फरियाल, क्योंकि आज है सोमवार, तो छोटी का हर सोमवार का उपवास रहता है और मंगलवार पतिदेव जी करते हैं। मैं बीच में अभी कोई व्रत नहीं कर रही हूँ, बस जो है त्यौहार बड़े बड़े ये, बाकी कोई वार का व्रत मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ मम्मी के वहाँ से आई हुई मूंगफली, उन्हें क्या मैं निकाल रही हूँ दाने, और बच्चे देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इनको खुशी मिल जाती है, अगर घर में बिखेरा हो ना तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ भाई घर में बिखेरा है तो बस उसमें खेलो। तो यहाँ मेरे मूंगफली के दाने निकल गए हैं और बस इनको सेक दूंगी मैं, क्योंकि पहले निकले नहीं थे तो मैंने जल्दी जल्दी आलू डाल दिए। तो आलू की रेसिपी मतलब खिचड़ी की रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर कर रखी है, और यह हमारा फरियाल बन गया है। तो दे देती हूँ छोटी को, और थोड़े फीके आलू भी मैं निकालती हूँ बच्चों के लिए। किट्टू तो हमारा ये खा लेता है लेकिन चेरी नहीं खा पाता है, तो उसके लिए मैं फीके निकालती हूँ। और यहाँ ये रहा दही, घर का जमाया हुआ दही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मार्केट से लाते हैं ना तो वो तो 30-40 रुपये का थोड़ा सा ही आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जम जाता है 30-40 रुपये दूध में। तो यह घर का जमाया हुआ दही है। और ये देखिए चेरी, मतलब ये सोच रहा है हाँ भाई मेरे लिए खाना आया है, मेरे लिए खाना आया है, तो सबसे पहले ये पकड़ता है। लेकिन इसके लिए ये वाला नहीं है, मैं हमेशा आलू का फरियाल बनाती हूँ तो फीका निकाल जरूर देती हूँ ताकि बच्चे खा ले, दोनों को ही पसंद है, किट्टू और चेरी दोनों को ही पसंद है। और मैं यही बोल रही थी कि चूहों ने हमारे घर पर कब्जा कर जमा लिया, तो हमारे नी नी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें काट दी तो मैं आपको क्या बताऊं। फरियाल तो बन गया है और मैंने तो खाना खा लिया था ठंडी। और यहाँ ये देखिए इतने सारे बर्तन, और एक एक केन भी साफ करनी है मुझे, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारा सामान ऐसा है जो चूहों से बचा के रखना है, इसलिए मैं ये साफ कर देती हूँ। और ये बर्तन, और किट्टू हमारा बाथरूम में। तो यहाँ मेरी स्टैंड तो हो गई है साफ, और आज मैंने ना बर्तन जो वो लिक्विड लेके आई थी ना, उस लिक्विड से साफ किए। देखिए उसमें एक बोतल भी आई थी तो मैंने उसमें से निकाल के इसमें भर दिया था। तो मैं बता दूँ इतना खास नहीं है, जैसा हम साबुन यूज़ करते हैं ना वैसा नहीं है, लेकिन ठीक है कि वो निशान नहीं रहते हैं साबुन के, बाकी ऐसा कोई खास नहीं है लिक्विड मुझे नहीं जमा। और चेरी बाबू हमारा सो गया है, टाइम 1:30 बज गए अब, और अभी तक हमारे देखिए चेरी को देखो, चेरी खेल रही। क्या क्या है तूने? आलू खाए? जा टावेल से मुंह साफ करके आ, पहले जा इधर आते को बताओ मैं टावेल कहाँ है। ये देखिए यहाँ टावेल है, ये देखिए लगा टावेल, मुंह साफ करो, मुंह साफ करो, इससे अच्छे से करो। आ जाओ अब, कहीं कर रहा आप मन बजा जानो, काम है थोड़ा सा, काम है कई काम है, काम है तो आप काम करो, तो राहुल ने करने मिल दो, कई काम है नाम तो है हां साला कोई डर वो आप चलो जा हां, तो दुकान पर राहुल यार मिल दो हंडे के मो सही तो जाई रहा हां, तो चल अब पहुंचो रे, ने बाद में लगाऊंगा, चल राहुल फिर ही बार चल, कई कई लाणो जा आपने नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, आपने पूछने तो गई रहा कहाँ बाजार में गई जान तो फिर ओबर खराब होना चाहिए, हाँ नहीं है ओबर बाहर आना बाजार में काम कहीं जाए, अरे खतरनाक ले चल राहुल, तभी तो रो है लेकिन ये सोया आंटी जा ही रहा, ले अंदर एक टीशर्ट लानो आईब्रो बनवानी चाले नहीं, चाबी ला के चाबी सुन के देगा खोली गई, चाबी दो दो या आएगी चाबी ले। तो किस तरह बैठाऊंगा वो, वाह घनी गरम गरम खाओ, चलो घनी गरम गरम सीट है,
अभी हम दोनों बच्चों को सुला के चलते पड़े मतलब बाजार में, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इतनी गर्मी है, क्योंकि हम इतने दिन तक घूम रहे थे तो हमें गर्मी का एहसास नहीं था, क्योंकि उधर इतनी गर्मी नहीं है जितनी इधर है। मेरे इधर इतनी गर्मी है, उधर इतनी नहीं थी तो हमें पता नहीं था। जाली काटी थी लोहा की, तो फिर अपने कई चीज है मान ऊपर खिड़की में संतोष हुआ, ऊपर जाली है कि खिड़की को वहाँ जाली काट दे, चूहा है बड़ा बड़ा चूहा है। हाँ तो अपने अपने क्या लगा सो रहे हैं। और मैं लेके आई हूँ मार्केट से सब्जी गिलकी, बस और कुछ नहीं लाई हूँ। लाना तो था लेकिन गए नहीं, टी शर्ट लाने थे लेकिन आगे दुकान में गए नहीं क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा ही काम किया और वापस आ गए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको जो चूहे ने छेद करा वो चाली, क्योंकि मेरे ऊपर कपड़े भी डालने हैं अभी, तो वो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रात को काटी जाली चूहों ने, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो लोहे की जाली तक काट दी चूहों ने। देगी कब देगी? हाँ देखो खड़े रहने की जगह चढ़ा। थली तरबूज काटो खाएगा के चाय बना, तो अब मैं बनाऊंगी चाय। यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और बाजार से हम ज़्यादा कुछ काम किया ही नहीं क्योंकि गर्मी के मारे दोनों की हालत ख़राब हो गई थी, तो हम 5-10 मिनट में ही वापस आ गए, गर्मी सहन नहीं कर पाए। और मैंने आपको दिखाया लोहे की जाली जो कि पूरी खिड़की चूहों ने बर्बाद कर दी है, और एक अच्छी सी बिछाने की दरी बोलते हैं हमारे इधर, तो पता नहीं आपके इधर क्या बोलते हैं, जो बिस्तर के नीचे डालते हैं वो, तो वो भी चूहों ने काट लिए। तो वो मैं आज तो नहीं दिखा पाई उस वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ भाई चूहों ने कैसी हालत कर दी मेरे घर की। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो काट दी है। चाय बन रही है, तब तक मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा फरियाल और दही, क्योंकि हमने भी सुबह ठंडा खाना खाया था। बाटियाँ ठंडी थी, दाल तो नहीं थी, दाल तो मैंने डोल दी थी, दूसरी सब्जी बनाई थी, क्योंकि दोनों चीज़ें ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती है, फिर पतिदेव जी खाते नहीं, तो इसलिए मैंने सेव की सब्जी बना दी थी। और ये रहा मेरा दिन का नाश्ता। रिमोट कटे रिमोट हाँ पोछो लगा रही है, पोछा सुबह का ही पोछा नहीं लगा। ये टंकी ऊपर रखने आनी यार, सुखाने का अपने फ्रेंड से बात कर रही है कहाँ कहाँ गए थे घूमने। जब कोई फोटो देखता है तो पूछता है कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या है घूमने के लिए। हाँ फरियाल खाया तब तक चाय बन गई थी, तो छोटी बोल रही इतनी सी चाय मैं नहीं पीऊंगी, तूने ज्यादा ले ली, तो वही दिखा रही हूँ कि नहीं दोनों के बराबर ही है, क्योंकि चाय कट गई थी। है गाइस, तो अभी हम है ना यहाँ हम जो पुष्कर जिसे कपड़े की शॉपिंग करी थी उसकी हम लगा रहे थे सिलाई। देखिए एक देखो ये घाघरा, ये है नन्नी ड्रेस बोलते हैं इसको, नन्नी बोलते हैं। और एक ये देखिए टी शर्ट महाकाल का, ये से 3 टी शर्ट लिए थे मैंने, एक हम दोनों बहनों के बीच में एक लिया था, और एक चेरी की लिया था, और एक किट्टू की लिया था, लेकिन किट्टू का तो मुझे मिल भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन चेरी का तो देख, चेरी इधर आ, तो देखो आपको दिखाती हूँ, इधर आ। हाँ इधर आ, ये देखो यहाँ खड़ा रहे, पोज करो। अरे बैठना नहीं है, खड़ा होना है। बस हो जा, ये देखो ये एक ऐसा टी शर्ट महाकाल लिखा हुआ है, ऐसा मेरे किट्टू के लिए भी। यहाँ खाने में बना रही हूँ मैं गिलकी, भरवा गिलकी जो भी दिन में लेके आई थी मैं, लेकिन मैंने मसाला भरा तो मुझे लगा कि ये थोड़ी कम पड़ेगी, क्योंकि छोटी के भी उपवास है और हमें सब्जी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, रोटी भले कम होगी तो चलेगा लेकिन सब्जी कम नहीं चलती है। तो यहाँ मैंने 3-4 बैंगन भी डाल दिए मसाले में, ताकि मैंने सोचा चलो जो बैंगन खाएगा वो बैंगन खा लेगा और जो गिलकी खाएगा वो ये खा लेगा, लेकिन सब्जी कम नहीं पड़ेगी। और एक तो चूहों ने मेरी जान ले ही ली थी, उसके बाद में मुझे पता चला कि जो मैं किट्टू के लिए टी शर्ट लेके आई थी, बहुत ही मन से लेके आई थी वो टी शर्ट, वो मुझे इस कपड़ों में नहीं मिला, शायद मुझे लग रहा है कि कहीं गुम गया है, शायद नहीं पक्का गुम गया, बाकी निकलता मतलब होता तो बिस्तर
कपड़ों में निकल जाता सारी पैकिंग में, लेकिन सारे कपड़े धो धोवा के सेट कर दिए लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो मैं उस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के लाई थी कि मेरे भी है, चेरी के भी है और किट्टू के भी है। तो खैर, और ये देखिए हमारा पहली सीजन का तरबूज, वो मैं आपको खिला रही हूँ। सबसे पहले आप खाइए, उसके बाद हम खाते हैं। ये इस सीजन का फर्स्ट बार तरबूज लाए हैं पतिदेव जी, तो बस यही इंजॉय करेंगे और इस वीडियो को यहीं कर देती हूँ, क्योंकि चूहों की वजह से और एक टी शर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब था आज का मेरा, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिस जिसको भी तरबूज खाना हो आ जाओ।